सिंगरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी की जंबो कार्यकारिणी घोषित हुई, जिनमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 जिला मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही 64 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें 15 सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिला कार्यकारिणी में नए युवा चेहरे लाए गए हैं। कार्यकारिणी में जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं, वह संगठन और समाज के बीच में बेहतर कार्य करेंगे। जिला कार्यकारिणी में महामंत्री के रूप में राजकुमार दुबे, दिलीप शाह, लालपति साकेत को जगह दी गई है। वहीं पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद चौबे, पूनम गुप्ता, अरविंद तिवारी, द्रौपदी सिंह, प्रवेंद्रधर द्विवेदी, बबीता जैन को जिला मंत्री के रूप में बनाया गया है। जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी हरिदास गुप्ता को दी गई है। साथ ही इस कार्यकारिणी में महिलाओं को भी 30% भागीदारी दी गई है। इसके अलावा 64 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आ रही है। इस मौके पर सांसद रीति पाठक सहित विधायक और आम जन मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के अनुमोदन के पश्चात और हमारे संभागीय संगठन मंत्री, हम सबों के मार्गदर्शक श्याम जी भाई साहब के अनुशंसा प्राप्त कर सिंगरौली जिले की कार्यकारिणी को घोषित किया गया। इस कार्यकारिणी में युवाओं को, महिलाओं को तरजीह दी गई। ऐसा पार्टी का मानना है कि यह आने वाले भविष्य है। जो भी कार्यकर्ता निष्ठा के साथ में इस कार्यकाल में लगा हुआ था, उसे स्थान देने का प्रयास किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।